24,000 वोल्टेज आप क्या समझ रहे, खेल ये पूरी जिंदगी लगा करके एक दुकान बनी है, हम इसमें दफन होना पसंद करेंगे लेकिन हम ये डब्बा यहाँ लगने नहीं देंगे, हमारी जान पे भी हमला है। हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारी जान की हिफाजत की जाए। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम, जिस समय मौजूद है हम मुमरा के कौसा कब्रस्तान के पास। और आपको बता दें यहाँ पर कि टोरेंट पावर द्वारा जो है एक इलेक्ट्रिक बॉक्स यहाँ पर जो है लाकर रखा गया है, और जो इसके पीछे दुकान है ये दुकानदार जो है कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक बॉक्स का विरोध कर रहे हैं। आपको ये भी दिखा दें कि यहाँ पर बगल में ही एक जो है बस स्टैंड है, यहाँ पर भी जो है बस यात्री खड़े रहते हैं। और ये अलमास कॉलोनी के ठीक सामने जो है ये बॉक्स लगाया जा रहा है, और काफ़ी यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। जब ट्रैफिक जाम होती है तो उस वक्त जो है लोग यहाँ से जो है आने जाने के लिए जो है ये रास्ता जो है अपनाते हैं, और यहीं पर जो है ये बॉक्स लगाया जा रहा है। और जो यहाँ पर दुकानदार है वो इस बॉक्स का जो है विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉक्स रखने की वजह से जो है उनकी दुकान पीछे हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। और हादसों होने की वजह से भी ये दुकानदार कहीं ना कहीं इस बॉक्स का जो है विरोध कर रहे हैं। दुकानदार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी है, और मैं ये पीछे आयाज गांधी नाम की दुकान है वो मेरी दुकान है, मैं यहीं पर रहता हूँ। अब ये जो है ये तो पूरा रास्ता है सर, अब इस रास्ते के बाद अब ये कैबिन रख दी गई इतने बड़े फुटपाथ पर, फुटपाथ कैबिन ने कवर कर लिया, मामूली सा रास्ता है। आप शाम के वक्तों में आकर के देखिए कि बाकायदा पूरी औरतें बच्चे मासूम बच्चे स्कूल के बच्चे, और जिस वक्त यहाँ पर जब स्कूल शुरू होता है तो पूरे बच्चों की भीड़ यहाँ होती है, हत्ता की बर्बारी जो हमारी दुकान में बैठे रहते हैं पूरे यहीं आते जाते हैं। और उनके आने जाने की वजह से क्या होता है कि अभी कोई शॉर्ट सर्किट कोई वजह बच्चे हाथ लगा दिए कुछ भी है, मुश्किल से पीछे 2 फीट का फुटपाथ छूट रहा है और हम लोग एकदम से घेर दिया गया, हर वक्त हम खतरे में है। अभी शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी जिंदगी लगा करके एक दुकान बनी है वो भी जल जाए हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, ये पूरी बिल्डिंग जल जाएगी सर, 4 माले की बिल्डिंग है, इतना चिपका करके कहीं भी है वो देखिए किस्मत का कॉर्नर पे लगा हुआ है। ये अगर 8 बिल्डिंग है 8 दुकानें हैं तो 2-2 को छोड़ के बीच में लगा दिया गया, बीच रोड पे कहीं बीच बिल्डिंग पे लगता है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। और यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और हम इसका विरोध करते हैं, और हम जो है ये कैबिन यहाँ पर लगने वायर नहीं लगने देंगे, हम जायज़ तरीके से कानूनी तौर पर हम इसके लिए लड़ेंगे। जब ये लगाया जा रहा था तो उस वक्त जी नहीं, आप ये लोग बिल्कुल विरोध में नहीं लगा, ये रात में लगा है सर, तो उस वक्त मना क्यों नहीं किया आपने? सर रात में आया है और ये हमसे कहा यह गया था कि ये जो खड्डा खोदा जा रहा है ये बमुश्किल 1 फीट ऊपर उठेगा, खाली वो मीटर छोटा सा लगेगा। अब ये किसे मालूम था कि हाथी लाके खड़ा कर दिया जाएगा और यहाँ आने जाने वालों की जान को खतरा, ये पूरे यहीं से स्कूल बस भरते हैं, बच्चों के स्कूल की भी गाड़ियाँ भरती हैं, यहीं बच्चे हजारों की तादाद में रहते हैं। बस स्टॉप भी है सर, ये क्या बस स्टॉप चिपका करके है, और ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप में मिला करके ये लगा दिया गया, एक फुटपाथ में बीचों बीच ये लगा दिया गया। अभी तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। अभी क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग ये है कि यहाँ किसी हालत में यहाँ ये लगना नहीं चाहिए, ये हम लोगों के साथ जुल्म होगा, खुला जुल्म होगा, और इसे हम लोग जो है यूं ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम जायज तरीके से कानूनी तौर से हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए और हम ये होने नहीं देंगे। आपका भी दुकान है क्या यार? यहाँ इसी के ठीक पीछे ही मेरी दुकान है, चश्मा ये आई लाइट ऑप्टिकल मेरा ही है, मेरा नाम परवेज सैयद है। ये जब खड्डा खोदा जा रहा था उस टाइम पे ये बोला गया कि 6 फीट का रहेगा, 3 फीट अंदर रहेगा, 3 फीट बाहर रहेगा, और 1.5x2 का वो इसका साइज रहेगा। और बताया जा रहा है कि इस तरीके से कि इतना इसके ऊपर वो नहीं रहेगा, पूरी दुकान आपकी विजिबल रहेगी, सब रहेगा। और अभी रात में 2 बजे लाके यहाँ रख दिया गया, और अभी हम लोग इसके ऊपर विरोध ये करेंगे कि हमको इसको कनेक्शन लगने देना नहीं है किसी भी हाल में। आज 8 महीने से हमारी दुकानें बंद थी, अब जाके दुकानें खुली है, थोड़ा सा कारोबार स्टार्ट हुआ है। हम सब भाड़ोतरी लोग हैं, यहाँ का भाड़ा कैसा निकालना, लोगों की पगार कैसा निकालना, पहले तो उनका निकालो फिर बाद में बचा हुआ हम लोग अपने पेट के लिए काम करें। अब हम कहाँ से क्या करेंगे? एक तो इतने टाइम से बंद था और अब ये आके टोरन का ये मसला खड़ा हो गया, तो कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? और हम लोग इसको किसी भी हाल में कानूनी तरीके से हमको इसमें कहाँ तक जाएंगे आप, इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? जहाँ तक हमारे से हिम्मत होगी वहाँ तक जाएंगे हम अपने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर लोग हैं उन लोग से बात करेंगे,
उन लोग ने बोला था कि यहाँ तोरण नहीं आएगा, अब आ गया तो चलो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सब हमारे कार जहाँ से हमको बिल भरना है, तोरण का ही बिल भरना है, वही बंद रहेगा तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे। पूरी आप पीछे से जाके देखिए, कहीं से भी दुकान की नहीं दिख रही है। सर आप एक राउंड पीछे आप देख लीजिए, 2 फीट की जगह छोड़ी हुई है। और सर ये कानूनी तौर पर जायज तरीके से, देखिए हम कोई झगड़ा लपड़ा करने वाले लोग नहीं है, हम अपनी 2 रोटी अपने बाल बच्चों को पालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं झगड़े लपड़े से। लेकिन कानूनी तौर पर हम इसमें दफन होना पसंद करेंगे, लेकिन हम ये डब्बा यहाँ लगने नहीं देंगे। हमें ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पेट पे खुला वार है, दूसरे हमारी जान पे भी हमला है। ये खुला इतना बड़ा कैबिन है, आज बंद है सर, बाकी आप जाके देखिए अर्जा खुले हैं, बाल लटक रहे हैं, पायल लटक रहे हैं। जो नगर सेवक है उनसे आप लोग मुलाकात किए क्या? नहीं अभी हमने मुलाकात नहीं की, तो आज रात में रखा गया, मिलेंगे पूरा मिलेंगे नगर सेवकों से मिलेंगे आप? बिल्कुल मुलाकात करेंगे, एक लोगों से मुलाकात करेंगे, और ये हमारी तकलीफ है। हम हमारे पास देखिए साहब, हमारे पेट में रोटी नहीं रहेगी, हमारे बच्चों के लिए रोटी नहीं रहेगी, हमारी जान महफूज नहीं रहेगी, तो बेहतर है कि हमें नीचे रख करके उसके ऊपर सर लगा दिया जाए, मसला खत्म हो जाएगा, वरना इस तरीके से हम इसको कबूल नहीं कर सकते। 24,000 नहीं, नहीं बिल्कुल हमने लगा दिया सर, 24,000 वोल्टेज, आप क्या समझ रहे हैं, खेल है ये 24,000 और बिल्डिंग में मिल करके ऊपर से बच्चे वहाँ गुलदान रखे हैं, देखिए सब फुलवारियाँ रखी है, पानी आएगा, पानी डालने सर आप देखिए पूरा पूरा पानी आएगा, बारिश के दिनों में पानी आता है, और ये पूरी तरह से छीटा उड़ेगा, पूरा जान का खतरा है। हम तो सर इस वक्त जो है हुकूमत से भी अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं कि हमारी जान की हिफाजत की जाए, और इसमें हमें उम्मीद है कि कानून हमारे साथ देगा और हमारे साथ इंसाफ करेगा, ये जुल्म हमारे साथ नहीं होने देगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो दुकानदार हैं वो इसका कहीं ना कहीं जो है विरोध कर रहे हैं। ये बात जो हम परहा टाइम के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आपसे भी हम कोशिश करते हैं, आपसे हम इस्तदा करते हैं कि आप हमारी बात को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, क्योंकि हमारी बात पहुँचाने के लिए इस वक्त जो है परहा टाइम एक अच्छा जरिया है, तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर आप हमारी बात को जहाँ तक हो सकता है पहुँचाइए, उसके बाद हमारी जहाँ तक औकात है हम जायज तरीके से जाएंगे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि जिस तरह से जो यहाँ के दुकानदार हैं वो लगातार जो है इस बॉक्स का विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का मकसद इनका ये है कि इनके दुकान से जो है बिल्कुल लगकर जो है ये बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, और दुकान से जो है बॉक्स की जो है दूरी वो काफी कम है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि अगर इसमें कभी कोई अपघात होता है, कभी शॉर्ट सर्किट होती है, और अगर आग लगती है, और खास तौर पर जो यहाँ के लोग आने जाने वाले लोग हैं यहाँ से ही आते जाते हैं, अगर कभी कोई इसमें टच हो गया, अगर किसी की इसमें जान चली गई, तो ऐसे में अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।